नहीं ये गलत है सर, ये गलत है। बीजेपी ने हमेशा राम मंदिर की बात की है, ये आप माने चाहे ना माने, विकास की बात की है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का हमेशा से राम मंदिर रहा है, राम लला रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं कीजिएगा। वर्षा हो रही है चारों तरफ, आपको पता होना चाहिए, चारों तरफ विकास की वर्षा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा विकास का मुद्दा था, लेकिन राम लला, राम मंदिर, अयोध्या भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है बीजेपी का, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, जब मोदी जी आए थे उनका पहला एजेंडा यही था कि राम मंदिर हम ही बनाएंगे और पहले, सबसे पहले बनाएंगे। आप तो ये मानते हैं ये वाली बात? अगर आज ये स्वरूपानंद जी की जो 3 दिन की बैठक चली है, ये इनकी एक तरह से धमकी थी कि अगर ये नहीं हुआ तो हम इनके खिलाफ जाएंगे, इसीलिए ये वाली जो है कि हम जल्दी से वो वाली जमीन को अतिग्रहण करके उनको मंदिर की तैयारी शुरू होगी, ये इसी वजह से शुरू हुई है। देखिए, ये तो आप मानेंगे नहीं, तो इससे पहले जब तक कुंभ का मेला नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले राम मंदिर जी को तो हम यही सोच रहे थे कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कहेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक हम कुछ पहल ही नहीं कर सकते। पर जैसे ही उन्होंने, संतों ने धमकी दी, उसके बाद से एकदम से जो है ये बात हुई है। तो बड़ी अजीब बात है कि आखिरकार साधु संतों को धमकियों पर उतरना पड़ा, उसके बाद सरकार गैर विवादित जमीन को मांग रही है कि जी ये टुकड़ा हमें दे दीजिए, हम शायद कुछ निर्माण करेंगे। लेकिन अब बात सामने ये भी आई है कि मोहन भागवत कहते हैं हमें वही जगह चाहिए, वैसा ही मंदिर बनाएंगे। अब सरकार फिर कोई नया पैतरा सोचेगी? आचार्य जी बोलिए। देखिए देखिए, आदरणीय आचार्य जी, अली इमाम जी कुछ कह रहे हैं, अली इमाम जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं। ग्रुप अलग है, और जब तोगड़िया जी ने अभी दिसंबर में जो वहां पर प्रदर्शन की का क्या रिजल्ट हुआ, तो सिर्फ खाली अपने को फोकस करने के लिए तोगड़िया ने किया, क्योंकि बीजेपी ने उनको तोगड़िया जी है नहीं डाल रखा है, और जबकि वो विश्व हिंदू परिषद में तोगड़िया जी नहीं है। आप अली जी अपना एक बार बात समझ लीजिए, प्रचार किया था, लेकिन ये है कि अब इस समय जो है वो क्योंकि अलग अलग धड़े हैं और सब अपनी अपनी कह रहे हैं, और बीजेपी जो है वो मंदिर, अच्छा आपका ये कहना है कि सब कोई अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा है, राम मंदिर की किसी को नहीं पड़ी, बस मंदिर किसी को नहीं पड़ी है, सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, सब उसको इतना फिर मुसलमान लोग बाधा क्यों बन रहे हैं, मुसलमान लोग मंदिर बनने क्यों नहीं दे रहे हैं? अली जी आप बताइए, मुसलमान लोग मंदिर क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? अगर कोई बाधा की नहीं है तो फिर मंदिर तो तैयार हो जाना चाहिए, जो भी फैसला हो उसको माना जाए। लीजिए, मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है आचार्य जी कोर्ट का फैसला माना जाए। नहीं, कोर्ट का फैसला माना जाए, पर इनके कुछ गुरु ये भी कह रहे हैं ना कि और जो भी फैसला आए वो हमारे लिए मान्य होगा। चलिए चलिए भाई, विवाद क्या इसमें, या तो कोर्ट में गए ना आचार्य सपना जी, 10 सेकंड आखिरी वर्डिक्ट, 10 सेकंड में जी। नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा, पर इनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर वो चाहते हैं कि उस जगह पे मंदिर बन जाए तो बनाया जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब एक घड़ा चलिए चलिए, बस समय नहीं है अली इमाम जी, 10 सेकंड आखिरी वर्डिक्ट क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो अगर कोर्ट कहती है कि वहाँ पर मंदिर था और मंदिर बनना चाहिए, वो जैसा आदेश, चलिए मंदिर था मंदिर बनना चाहिए, कोर्ट की बात आप मानेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी जी क्या कहेंगे, 10 सेकंड फटाफट? मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी देश की राजनीतिक पार्टी है जो मंदिर के लिए बहुत ही ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का। कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, ये मानना पड़ेगा हमें। अभी जिस तरह से हम बातें सामने कर रहे थे, आज भी स्थिति वही है जो सालों पहले थी, सब लोग ठाट में हैं, लेकिन रामलला टाट में है, ये बात आज पुरानी हो गई है। क्योंकि आज अगर हम अयोध्या के वासियों की बात करें, अयोध्या के लोगों की बात करें, जो लोग वहां पर दुकानदारी करते हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनका कहना है कि मसला जल्द से जल्द सुलझ जाए, कुछ भी हो लेकिन जल्द से जल्द इस मसले को सुलझना होगा, ताकि कोई भी इस मसले को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए यूज ना कर सके। हम किसी पार्टी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि जब बात आस्थाओं की हो तो आस्थाओं पर छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण, यह प्रारंभ बिल्कुल ठीक प्रारंभ है, इसलिए इस आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहिए। इस पर से 1 इंच भी संघ वापस आने वाला नहीं है।